धन्यवाद। आज आम पढ़ा अल्टरनेटर तो से दिन आम पढ़ी तरह डिस्कशन कौन फिल्ड कौन तर वाइंडिंग कौन कत प्रकार अल्टरनेटर क्लासिफिकेशन जो कहुई तर एडवर्टाइज कहुई तार पढ़ा आम डिसएडवर्टाइज बा एडवर्टाइज यूजिंग फॉर रोटेटिंग फिल्ड कौन एडवर्टाइज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फिल्ड देख फास्ट कौन पढ़ा एक नंबर ओनली टू स्लिप रिंग आर रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्टिव ऑफ दि नंबर ऑफ फेज एथे कौन गोटे गोटे फेज रे स्लिप रिंग रोचे तो दुटा स्लिप रिंग मन रखित वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन केतटा स्लिप रिंग गोटे अल्टरनेट दौर दुटा स्लिप रिंग गोटे गोटे फेज रे दौर देन सेकंड नंबर पॉइंट मोर ईएमएफ कैन बी जेनेटेड बै यूजिंग ए लार्ज डायस्ट हैविंग ए ग्रेटर नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल एथिरे कोन डायड जो आर्मेचर थौछि से आर्मेचर रे डायड कोन थौछि ना अधिक मोर ग्रेटर देन थौछि तो देन कोन होछि ना लार्ज कॉइल गुडा को यूज हेइ पौछि देन द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसिंग ब्रेकिंग इटीसी बिकॉज़ द स्टेशनरी नेचर ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग एटा कोन स्टेशनरी थौछि तो एडी कोन होछि आर्मेचर स्टेशन दौर रोटरटा बुलू तो ये कौन ना आर्मेचर रिएक्शन बा आर्मेचर लसेसटा कपर लसेसटा बहुत नेग्जिबल बा कम रोचे दि जेनेटिक ईएमएफ इज सप्लाइड बाय दि स्टेशनरी कंटाक्ट हैंड्स देर इज ए नो स्पार्क इन इट ए जेनेटर कौन स्टेशनरी पार्ट कौन स्टार्ट रोचे स्टेशनरी पार्ट गुड़ा मैं रोट आर्मेचर आर्मेचर टाइम कौन रोचे कौन स्टार्ट रोचे आर बॉडीटा कौन हो स्टार्टरटा कौन हो गुरु तो हवा फल कौन हो स्पार्क कौन हो बहुत नेक्जिल रोच बा कम रोच पढ़ा द जेनेट ईएमएफ सप्लाइड बाय स्टेशनरी कॉन्टैक्ट हैंड्स इट इज नॉट स्पार्क हाई वोल्टेज वाइंडिंग कैन बी इंस्टॉल्ड एंड द स्टार्टर इजिली हैंड्स द अल्टरनेटर कैन बी डिजाइनड जेनेट ए हाई ईएमएफ एथिरे कौन अच्छे अल्टरनेटर कौन ना हाई ईएमएफ प्रोडक्शन करें आम हाई वोल्टेज दूचे मन दस वोल्टेज देने ईएमएफ देने दस वोल्टेज आउटपुट दूसरी सेमती हाई वोल्टेज वाइंडिंग कैन बी यूज मैंने जैसे आम वाइंडिंग हाई वोल्टेज यूज करवा से ईएमएफ आउटपुट मिलूँ आम इनपुट रू जी दे आउटपुट से मिलूँ तो ये हूँ कौन बेनिफिट रोच छबर पॉइंट दि वाइंडिंग जॉब ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर इज इजी आर जो आर्मेचरटा स्टेशनरी रोचे से बाहर करवा बा यूज करवाटा बहुत इजी रोच इतनी आप जानले फिल्ड रो कौन कौन एडवर्टाइज तापर बढ़िया ट्रिम्स रिलेटेड टू अल्टरनेटर्स कौन कौन ट्रिम्स दरकार केपी केपी अर्थ हो दि वेक्टर ऑफ सम ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कॉइल दि अरिथमेटिक सम ऑफ दि ईएमएफ इंड्यूस्ड दि कॉइल दि वेक्टर वेक्टर हूँ कौन आम गोटे आनुमानिक आनुमानिक कौन ना देख आम आम गोटे थ्री फेज लाइन अच्छे देख थ्री फेज गोटे फेज रु अन्य फेज को कैसे डिग्री थोड़ी ना शहे कोड़े डिग्री यहाँ कौन गोटे आनुमानिक आम करे भेक्टर ये जिनस गुड़ाक आम देखिपे युवा कहु कौन गोटे भेक्टर के गोटे फेज रु अन्य फेज को शहे कोड़े डिग्री सेमती से प्रकार भेक्टर अफ सम अफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर दी कहे भेक्टर गोटे आनुमानिक नहीं अच्छी मनकर आम मोटरटा पंद्रह आरपीएम घूमू केते पंद्रह आरपीएम तो सैटा हूँ भेक्टर कितु आम टैकोमीटर पकड़ प्राक्टिकाली देख ला के चौदहश अशी कि चौदहश नब्बे कि जहाँ किसी समथिंग तो ये कहूँ कौन यहाँ हूँ मेजरमेंट यहाँ हूँ कौन आरथमेटिक प्राक्टिकुला प्राक्टिकलटा हूँ आरथमेटिक आउ भेक्टर हूँ आनुमानिक कहो दि सम अफ दि भेक्टर अफ ईएमएफ इंड्यूस्ड कॉइल दि आरथमेटिक सम अफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कॉइल केपी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय टू केपी अर्थ हूँ पिच फैक्टर बा कॉइल स्पार्क फैक्टर पिच फैक्टर केपी के रोच कॉइल पी रोच पिच है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी फैक्टर अर्थ हूँ के डिस्ट्रीब्यूशन हूँ डी के डी इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कनेक्टेड वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग बाय कनेक्टेड वाइंडिंग कौन
डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बाय कनेक्टेड वाइंडिंग एडा होचे केडी केडी इज इक्वल टू कोन साइन बीटा बाय 2 बाय एम साइन बीटा बाय 2 वेयर बीटा इज इक्वल टू केते 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ स्लॉट पेर पोल बीटा रा होचे केते 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ स्लॉट पेर पोल नंबर ऑफ स्लॉट पेर पोल फेज पर पोल The distributed winding means that is the conductors one of the pole winding are placed in more than one slot. While connected winding means that is the conductors one pole winding pair placed one of the slot. The distributed winding कौन होती है? The conductor of the pole winding. Conductor टा कोड़े pole winding रहे कितनी heat होती है? आर प्लेसड इन मोर देन वन स्लॉट गोटे स्लॉट रो अधिक होई तौचे व्हाई कनेक्टेड वाइंडिंग मींस द कंडक्टर ऑफ पोल वाइंडिंग कनेक्टेड वाइंडिंग रोज कोन द कंडक्टर ऑफ पोल वाइंडिंग तबर पडिया वोल्टेज रेगुलेशन कोन होचे ना परसेंटेज रे बी नो लोड माइनस बी फुल लोड बाय बी फुल लोड गुणन सहाय बी नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बाय वोल्टेज फुल लोड गुणन 100 तक पहुंची कोन वोल्टेज रेगुलेशन ए वोल्टेज रेगुलेशन कोन एट कांस्टेंट रोटेशनल स्पीड एंड फिक्स इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट द वाइब्रेशन इन द वोल्टेज फॉर नो लोड स्टेट टू फुल लोड स्टेट ऑफ एन अल्टरनेटर इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड टू फुल लोड नो लोड रु फुल लोड टे माइनस करिबा ताको गुणन 100 करिबा ताको जाहेसिन ताको पहुचु वोल्टेज रेगुलेशन सिन एज जल आउट कोन ना रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर अल्टरनेटर कोन रेटिंग द अल्टरनेटर साधारणत किलोवाट अल्टरनेटर रेटेड इन किल केवीए एंड एमवीए इनसाइड द किलोवाट एंड मेगावाट बिकॉज़ An AC machine, the power is designed at the base of the load current and the load current depend upon the power factor cos phi. Kilowatt is equal to KVA, गुणन cos phi. साधारणत अल्टरनेटर कोन हमर रेटिंग रे व्यवहार करा होची ना KVA MVA. एटा कोन पाई एटा ये होची एसी सिन द डीसी जनरेटर रे कोन होची ना किलोवाट मेगावाट. मन रखो अल्टरनेटर इज ए जनरेटर. अल्टरनेटर रहा हूँ गोटे एसी जेनेटर सेमती डीसी जेनेटर हो डीसी जेनेटर सेमती डीसी जेनेटर कौन थी मेजरमेंट करा हूँ किलोवाट रे अल्टरनेटर रहा केबीए रे तो केबीए करे वाले किलोवाट रो केबीए करे वाले कौन हो किलोवाट जो रो केबीए गुणन कॉस फाई डा गोटे हमको मल्टीप्लिकेशन करिया पड़छे कॉस फाई डा मनर कते दिछि फाई डा कते दिछि फाई इज इक्वल टू 22 बाय 7 तो कॉस मनर 90 दिछि तो कॉस 90 गुणन 22 बाय 7 जति आसीला सेडा होची केबीए फॉर एग्जांपल किलोवाट जुड केते कहउची मनर 10 10 किलोवाट जुड केबीए रे केते मनर 10 केबीए त डिग्री केते रहियो मनर कॉस 40 की कॉस 85 से डिग्री तो कॉस 85 रे टेंपरेचर में हिसाब करबा तो कॉस 85 केते होची रूट 3 बाय 2 के 2 बाय रूट 3 ए प्रकार हम ताको 22 बाय 7 रे गुणि करे करबा ता पा अल्टरनेटर लॉसेस कोन एथरे कोन कोन लॉसेस रहउची कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस मैकेनिकल लॉसेस तो कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू कोन हो आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर एस से आयरन लॉसेस ता कोन होउची आयरन लॉसेस इज इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू ई सिन मैकेनिकल लॉसेस तो कॉपर लॉसेस कोन आई स्क्वायर करंट लॉस होची रेजिस्टेंस लॉसेस आई स्क्वायर एस गुणन आई आर एस प्लस आई स्क्वायर आर प्लस गुणन आर आर सिन आयरन लॉसेस होची डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू ई तापर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर इटा नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया धन्यवाद मुझे तुमको पठाइए छाड़ी क्लास